हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कर्म से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आप लोगों का आधा दिन बीत चुका है जो कि बहुत अच्छा रहा होगा, और बाकी का दिन भी आप लोगों का मंगलमय हो, शुभ हो। तो क्लास हो चुकी है शुरू, 8 मिनट लेट है, बट चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत टेक्निकल इशू होती है जिस वजह से क्लास लेट हो गई है, बट कल से लेट नहीं होगी, ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है, कल से क्लास लेट नहीं होगी, देखते हैं। चलो, तो क्लास शुरू हो गई है, सभी लोग एक बार जल्दी से आ जाइए, क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट्स क्लास में लाइव आ सके। आज का टॉपिक थोड़ा सा नया टॉपिक रहेगा, वो है ओएसआई मॉडल का, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा नया टॉपिक रहेगा जो है ओएसआई मॉडल का। तो ये ओएसआई रेफरेंस मॉडल क्या होता है, कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें अपनी आज की क्लास में पढ़ेंगे। क्वेश्चंस किस हिसाब से आते हैं वो सारी चीजें भी अपनी आज की क्लास में देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल गुड आफ्टरनून जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, बिल्कुल। हाँ, तो आगे हम प्रयागराज घूमकर, और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा आप सभी का, आप सभी स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने वेलकम किया, सारे स्टूडेंट्स आए मिलने के लिए, बहुत अच्छा लगा उस चीज़ में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आप सभी को एक बार फिर से, जितने स्टूडेंट्स आए उन सबको भी, और जो नहीं आए उन लोगों को भी, क्योंकि प्यार तो आप सभी बराबर देते हैं ना। चलो, क्या कह रहे हो, चॉकलेट दो मैम, बिल्कुल सिलेक्शन लेकर आओ, मैं चॉकलेट्स दूंगी आपको, क्यों नहीं दूंगी, है ना। अच्छा, चॉकलेट डे है क्या, जिसलिए बोल रहे हो आप? नहीं नहीं नहीं, देखो अगर चॉकलेट डे और आपका मन दुख गया है कि आपको चॉकलेट नहीं मिली, तो खुद जाओ दुकान पे खरीदो और खा लो, है ना। मेन खुशी से मतलब होना चाहिए, कोई दे ना दे तो खुद ही खा लिया करो। चलो शुरू करते हैं अपने ओएसआई मॉडल को, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो ये है क्या, पहली बात इस पर जानेंगे, उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके उस पर भी चलते हैं, ठीक है। तीन दिन क्लासेस नहीं हुई, तीन दिन कौन सा, संडे नहीं हुई, संडे तो होती नहीं है, और मंडे कल थोड़ा मतलब था, कल ही तो आए थे सुबह सुबह, तो इस वजह से ना। चलो, ओएसआई मॉडल की अगर मैं बात करती हूँ तो शुरुआत होती है आईएसओ के द्वारा। आईएसओ की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, आईएसओ की फुल फॉर्म हो जाती है यहाँ पर इंटरकनेक्टेड, या बोल सकते हो इसके अंदर अगर मैं बात करती हूँ आईएसओ की, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, क्लियर। तो यहां पे फुल फॉर्म हो जाती है, यहां पे आईएसओ के द्वारा 1984 में क्या होता है, यहां पर एक ओएसआई मॉडल को निकाला जाता है। बेसिकली इसका नाम ओएसआई मॉडल रखा गया, और अगर मैं पूरा नाम लूं इसका, तो इसको बोला जाता है ओपन सिस्टम, इसको बोला जाता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। क्या बोला जाएगा, तो इसको बोला जाता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, क्या हो जाती है इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, ठीक है, आईएसओ। और इसके साथ हम लगाते हैं रेफरेंस, इसके साथ लगाया जाता है रेफरेंस मॉडल। तो ये आपका क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल है, जिसको 1984 में आईएसओ के द्वारा बनाया गया। अब ये क्यों बनाया गया इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग इंटरनेट चलाते हैं, ठीक है, ये सबको पता है, हम लोग इंटरनेट चलाते हैं। अब इंटरनेट में हम लोगों ने जब अमेरिका से तारों को, मतलब ऑप्टिकल फाइबर की मदद से हमने इंटरनेट को फैलाया, अब इंटरनेट को हमने वायर की मदद से फैलाना शुरू किया। लेकिन अब ये चीजें हम लोग कैसे समझें, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, जो इंटरनेट में कुछ ना कुछ डेवलप करते चलते हैं, वो लोग कैसे समझें। अगर मुझे बोल दिया जाए कि एप्लीकेशन बनानी है, तो मैं कैसे बनाऊंगी, मुझे पहले पता तो चलना चाहिए कि इंटरनेट काम कैसे करता है। इंटरनेट तभी तो लैपटॉप में चल रहा है, वाईफाई है आपके पास, आप लैन की वजह से इंटरनेट चला लेते हो। तो ये चीज़ें जितनी भी अगर मैं बात करती हूँ लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में या इंटरनेट के बारे में, इन चीज़ों को हम लोगों तक समझाने का तरीका एक थ्योरेटिकल वे ओएसआई मॉडल के द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ लेयर बनाना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले आप लोग बताओ ओएसआई में कितनी लेयर होती है, ठीक है, ओएसआई में कितनी लेयर होती है, बातें बाद में करना है, बताइए ओएसआई में कितनी लेयर होती है। हाँ जी, तो देखो ओएसआई के अंदर अगर बेसिकली पूछा जाए तो यहां पर 7 लेयर होती हैं, और कौन कौन सी लेयर क्या करती हैं वो हम देखेंगे अब एक साथ। तो यहां पे स्टार्ट करते हैं अपने ओएसआई मॉडल को बनाना, ठीक है। तो यहां पे हम लोग बनाएंगे अपने ओएसआई मॉडल को, या फिर पूरे पेज भी बना लेते हैं ताकि चीजें मैं यहां पर आपको समझा भी दूंगी ना। तो यहां पर बनाना है ओएसआई रेफरेंस, OSI रेफरेंस मॉडल। तो यहां पे बन जाएगा OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल बन जाएगा OSI का।
ठीक है, तो OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं, और याद रखना हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ लेयर चलनी शुरू होती हैं, और क्वेश्चन जैसे पूछेगा वो भी साथ बताती चलूंगी। तो यहां पर पहली लेयर आ जाएगी आपकी, यहां पर आएगी हमारी दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर आएगी, उसके बाद फोर्थ, फिर पांचवी, फिर छठी, एंड देन सातवीं लेयर। ठीक है, चलो बताइए सबसे पहली लेयर का नाम क्या होता है। तो OSI में सबसे पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर जिसको क्या बोला जाता है, भौतिक लेयर। इसको क्या बोला जाता है, भौतिक लेयर बोला जाता है। दूसरी आती है इसके अंदर डेटा लिंक लेयर, एक दूसरे डेटा को जोड़ने वाली, या हम बोल सकते हैं इसको, ये कौन सी होती है, तो ये होती है आपकी डेटा लिंक लेयर। तीसरी लेयर आती है इसके अंदर आपकी नेटवर्क लेयर। तीसरी लेयर आती है कौन सी, तो तीसरी आती है इसके अंदर नेटवर्क लेयर। चौथी आती है इसके अंदर ट्रांसपोर्ट लेयर। चौथी कौन सी आएगी इसके अंदर, तो आएगी ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके बाद पांचवी लेयर आती है इसमें प्रेजेंटेशन लेयर, प्रस्तुति करने के लिए ना। तो यहां पर देखेंगे हम तो पांचवी आ जाती है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन लेयर। और उसके बाद यहां पर छठे नंबर पे आती है, एक मिनट रुको, प्रेजेंटेशन नहीं यहां पर लिखना आप लोग, सेशन लेयर आएगी। ठीक है, पांचवे नंबर पे कौन सी लेयर आती है, तो यहां पर आती है सेशन लेयर। तो यहां पर आएगी सेशन लेयर, उसके बाद आती है प्रेजेंटेशन लेयर, और एट लास्ट ये सेवंथ नंबर पे आती है हमारी एप्लीकेशन लेयर। तो पहली बात तो ये चीज याद रखना है, इसको ऊपर नीचे नहीं करना है, एकदम आपको सीरियल वाइज याद करना है। अब आप याद कैसे करोगे वो तरीका भी देख लीजिए। ठीक है, इसको याद करने का तरीका क्या होगा उसको भी देखते हुए चलेंगे। तो यहां पे लिखना है आपको फिजिकल डेटा को याद करने का तरीका है ये, फिजिकल डेटा को नेटवर्क की मदद से, नेटवर्क की मदद से ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट सेशन को, ट्रांसपोर्ट सेशन को प्रेजेंट करके एप्लीकेशन बनाया, प्रेजेंट करके एप्लीकेशन बनाया। ठीक है, प्रेजेंट करके एप्लीकेशन बनाया। तो यहां पे हो जाएगी इसकी एक, बोल सकते हो आप एक शॉर्ट ट्रिक याद करने की। देखो याद तो मैं आपको ऐसे भी करवा सकती थी कि पी डी एन टी एस पी ए याद रखो, है ना, यहां पे आ सकते थे आप पंडित जी ने स्पा करवाया, तो पंडित जी स्पा, ये भी आपका एक शॉर्टकट बन जाता है। लेकिन इसमें ये तब आप भूल जाओगे एग्जाम के टाइम पे कि भाई पी का मतलब क्या है, क्या होता है पी, पहले वाला फिजिकल है या बाद वाला फिजिकल है, पहले वाला प्रेजेंटेशन है या बाद वाला प्रेजेंटेशन है, तो ये दिक्कत आती है। इसलिए मैंने यहां पर दूसरी ट्रिक आप लोगों को बता दी है। इसमें अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा फिजिकल डेटा को, तो फिजिकल से फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो यहां पे सारी लेयर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो याद रखना है ये वाला, आपको फिजिकल डेटा को नेटवर्क की मदद से, ट्रांसपोर्ट सेशन को प्रेजेंटेशन करके एप्लीकेशन बनाया। तो आया समझ में, क्लियर है? हाँ, पंडित जी ने स्पा करवाया। अरे देखो याद करने से ही मतलब है ना, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये टकलू कौन बोला भाई और किसको बोला? हाँ चलो, तो या तो आप वो याद रख लो अगर आपको बहुत अच्छे से सारी लेयर के बारे में पता है, अदरवाइज मैं आपको बोलूंगी आप अगर ये वाला तरीका याद करते हो तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा ना। तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो वाला तरीका आप अपना सकते हो। चलिए आगे चलें, क्यों भाई पंडित जी पानी करवा सकते हैं। हाँ चलो, तो यहां पर मैं एक एक करके लेयर के बारे में बताना शुरू करूंगी, उसको नोट करते चलना आप लोग। तो यहां पे सबसे पहले उठाते हैं हम एप्लीकेशन लेयर को, ठीक है। तो सबसे पहली लेयर नीचे से लेते चलते हैं ना, तो सबसे पहली लेयर लेंगे हम यहां पर फिजिकल लेयर। सबसे पहली लेयर लेंगे यहां पर हम फिजिकल लेयर, जिसको बोला जाता है भौतिक, जिसको हम भौतिक लेयर के नाम से भी जानेंगे। जो जो मेन टॉपिक है बस वही लिखते हुए चलेंगे इसके बारे में, और कुछ एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिजिकल लेयर की अगर मैं बात करती हूँ तो ये सूचना को बिट्स में संग्रहित करके रखता है। इसका काम क्या होता है, सूचनाओं को बिट्स में संग्रहित करके रखना। क्या काम होता है इसका, सूचनाओं को बिट्स में संग्रहित करता है, या आप लिख सकते हो इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन स्टोर्स इन बिट।
तो ये क्या करता है, सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को बिट्स में स्टोर करके रखता है। अब ये कैसे करेगा, तो चाहे आप कोई फोटो क्लिक कर लो, चाहे आप कोई वीडियो बना लो, चाहे आप कोई मूवी डाउनलोड कर लो, आपको पता है ये सारी की सारी चीजें कंप्यूटर के अंदर बिट्स के अंदर स्टोर होती हैं, 0110110, इन सब चीजों में आपकी ये चीजें, फोटोज, वीडियोस, ऑडियो, ये सारी स्टोर होती हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पिक्चर से, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, तो ये पिक्चर से डायरेक्टली आपकी बिट्स में स्टोर हो रही है। और ये काम कौन करता है, तो ये काम करने का काम होता है फिजिकल लेयर का, ठीक है, याद रहेगा, तभी हम बिट, निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, टेक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला काम तो ये हो गया अगर मैं फिजिकल लेयर की, भौतिक की बात करती हूँ। इसी में अगर हम दूसरी बात करें तो कौन सा हो जाएगा, हाँ, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना बिट्स में, बिल्कुल सही है। दूसरा इसके अंदर क्या हो जाता है, तो ये फिजिकल कनेक्शन के लिए भी जिम्मेदार होता है। कंप्यूटरों के बीच में भौतिक भौतिक कनेक्शन बनाने के लिए भी ये जिम्मेदार है, या बोल सकते हो इट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल कनेक्शन। अब ये फिजिकल कनेक्शन किस किस चीजों से बनाएगा, अब वो उदाहरण में हम देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल, या हम बात करते हैं इसको उदाहरण की, तो वो चीज भी आप लोगों को यहाँ पर नोट करनी है। तो सबसे पहला हो जाएगा आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर ये भी क्या हो जाता है, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, ये वायरलेस भी होता है, बिना वायर के भी आप इस पे काम कर सकते हो। हब भी इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हो जाता है, हब जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग रिंग टोपोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसके उदाहरण हो जाएंगे। रिपीटर भी लिख लेना, रिपीटर भी आपका फिजिकल लेयर के अंदर ही आता है। तो ये सारी चीजें फिजिकल लेयर से संबंधित है। आगे चले, हाँ बिल्कुल ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको, फिजिकल लेयर में क्या क्या चीजें आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट दूसरी लेयर कौन सी थी, तो दूसरी लेयर थी आपकी डेटा लिंक लेयर। सेकंड नंबर पे आप लोगों को नोट करना है डेटा लिंक लेयर, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे कौन सी लेयर आ जाएगी, सेकंड नंबर पे आ जाएगी यहां पर हमारी डेटा लिंक लेयर। सेकेंड नंबर पे आप लोग नोट करोगे डेटा लिंक लेयर के बारे में। तो एक एक करके सारी चीजों को भी यहां पर पॉइंट आउट करते हुए चलेंगे, पॉइंट बनाते हुए चलेंगे, क्लियर है। डेटा लिंक लेयर की अगर मैं बात करती हूं, तो एक नोड से दूसरे नोड में डेटा को डिलीवर करना एक कंप्यूटर से, क्योंकि कंप्यूटर को अगर आप एक ही नेटवर्क से जोड़ दो तो उसको नोड बोला जाता है। एक नोड से दूसरे नोड में, है ना, एक नोड से दूसरे नोड में डेटा को डिलीवर करने का काम किसका होता है, तो वो काम होता है यहां पर डेटा लिंक लेयर का। लिंक बनाती है और एक दूसरे में डेटा भेजना शुरू कर देती है, ठीक है। डेटा को एरर फ्री भी बनाने का काम इसी को होता है। डेटा को त्रुटि रहित, या आप बोल सकते हो एरर फ्री, डेटा को एरर फ्री बनाने का काम भी किसका होता है, डेटा लिंक लेयर का होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की, और चीजें इसके अंदर नहीं आती। तो यहां पे अगर मैं बात करती हूं इसके एग्जाम्पल की या उदाहरण की, ठीक है, तो बताना है यहां पे डेटा लिंक लेयर का उदाहरण क्या हो जाता है। कल से लगेगी, कल क्लास हुई थी ना आप लोगों की हरियाणा जीके की, हाँ बिल्कुल, तो कल से लगेगी, ठीक है, चलो ओके भाई, चॉकलेट डे बाद में बना लेना, है ना, अभी पढ़ लो पहले। चलो तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, तो उदाहरण के तौर पे कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं डेटा लिंक लेयर के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ईथरनेट हो गया, ब्रिज हो गया, ईथरनेट इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, तार से तार जोड़ते हैं जब हम, तो ईथरनेट इसका एग्जाम्पल हो जाता है। ईथरनेट इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। पीपीपी इसका एग्जाम्पल है, यहां आप लिख सकते हो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर प्रोटोकॉल जाता है, वो भी इसका बहुत अच्छा उदाहरण हो जाता है। इसके अंदर आप लिख सकते हो ब्रिज हो गया, जो लोकल एरिया नेटवर्क को दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़ता है, ब्रिज इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और स्विच लिख सकते हैं हम, स्विच भी आपका इसी के अंदर आता है। स्विच भी हमारा कौन सी लेयर के अंदर आ जाता है, तो यहाँ पे याद रखना है डेटा लिंक लेयर के अंदर। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए आप बता सकते हो बड़े आसानी से, ठीक है। 5 रुपए वाली चॉकलेट, निधि मैं अच्छी वाली चॉकलेट दूंगी, फिक्र मत करो, एग्जाम क्रैक करके आओ, चॉकलेट दूंगी, ठीक है।
अच्छा, वैलेंटाइन डे के पावन पर्व पे हार्दिक शुभकामनाएं जरा घर में देना सबको, ये पावन पर्व की शुभकामनाएं, है ना। अच्छा, 14 फरवरी में वैसे एक और चीज हुई थी, वो अगर याद हो तो उसके बारे में भी बताना, है ना। कोई बात नहीं, देखो जीने का हक सबको है, सबको अधिकार है जीने का। नहीं, आपने पढ़ा नहीं 21 वाली जो आपका आर्टिकल 21 है, उसके अंदर सबको पूरी की पूरी निजता का अधिकार है भाई, प्राइवेसी का अधिकार है, है ना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसको मनाना है मनाओ शांति से, लेकिन पहले पढ़ाई कर लो तो वो लॉन्ग लास्टिंग चला रहेगा। क्लियर है ये सारी चीजें डेटा लिंक क्लियर के बारे में, फिर आगे चले, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे नेटवर्क लेयर के बारे में। तो ये हो गई डेटा लिंक लेयर, अभी मैं सुनूंगी भी, ठीक है, अभी मेरे को याद करवाना है क्लास के अंदर। थर्ड आती है आपकी यहाँ पर नेटवर्क लेयर। थर्ड कौन सी लेयर पढ़ेंगे अब हम? थर्ड लेयर आती है आपकी यहाँ पर नेटवर्क लेयर। अच्छा, नेटवर्क लेयर में क्या क्या चीजें आती हैं, कैसी चीजें कौन सी क्या काम करती हैं, तो वो सारी चीजें अब हम नेटवर्क लेयर के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। शुरू करें, बिल्कुल। देखो, एक ही डेटा को विभिन्न विभिन्न नेटवर्क पे भेजने के लिए नेटवर्क लेयर का काम किया जाता है। यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो अलग अलग नेटवर्क में, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अलग अलग नेटवर्क पे, अलग अलग नेटवर्क पर डेटा को भेजने या ट्रांसमिट, डेटा को भेजने या ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर आप एक ही डेटा को बहुत सारे नेटवर्क में भेजते हो, जैसे सपोज आपने YouTube ओपन किया, तो भाई पूरे दीन दुनिया में केवल आप ही थोड़ी ना जिसने YouTube ओपन किया, सेम टाइम पे हजारों लाखों की संख्याओं में लोगों ने YouTube खोला होगा। तो YouTube वाला नेटवर्क का सर्वर हर एक आईपी एड्रेस पे भेजने का काम किसका हो गया? राउटर का हो गया, या बोल सकते हैं इन शॉर्ट नेटवर्क लेयर का हो गया। तो नेटवर्क का काम क्या होता है? एक ही डेटा को, अब YouTube के पास तो जो डेटा है वो तो एक ही है, सिंगल डेटा को अलग अलग नेटवर्क में ट्रांसमिट करने का काम नेटवर्क लेयर का होता है। आया समझ में? और चीजों के बारे में? हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी ना, और उनका तो खैर रहस्य क्या ही मैं बोलूं, है ना। जिस टाइम पे फिक्स किया था उस टाइम पे ना करके पहले ही उनको फांसी की सजा, मतलब फांसी दे दी गई थी ना। चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। आगे चीज समझ में आई, नेटवर्क लेयर क्या काम करता है, क्या क्या चीज हो जाती है। इसके साथ अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे आपको बात करना, यहाँ पे हम बात करते हैं तो सोर्स से, सोर्स का मतलब हो जाता है यहाँ पे स्रोत, स्रोत से डेटा को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, गंतव्य मतलब हो जाता है डेस्टिनेशन, जहां पे डेटा को जाना है, ठीक है। तो भेजने से लेकर डेटा को जहां पहुंचना है वहां तक का आसान पाथ बताने का काम भी इसी का होता है। वहां तक का इजी पाथ आप बोल सकते हो, या आसान पाथ बताने का काम भी किसका होता है? तो आसान पाथ बताने का काम भी यहां पर नेटवर्क लेयर का होता है। क्योंकि देखो, आपको कई बार लगता होगा बहुत सारे लिंक होते हैं पेज को, अगर मैं खोलना चाहूं तो एक नंबर के रूप में होता है, एक यूआरएल एड्रेस के रूप में होता है, और एक डायरेक्ट वीडियो दे देते हैं। उनमें से कौन से लिंक से जल्दी वीडियो खुलती है? तो बेस्ट पाथ देने का काम करता है नेटवर्क लेयर, जिससे आप बहुत आसानी से उस नेटवर्क पर पहुंच जाओ और उस साइट को ओपन कर लो। क्लियर? बस इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल के बारे में, तो एग्जाम्पल लिखना है इसके उदाहरण के बारे में, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो उदाहरण क्या हो जाएगा इसका? ICMP प्रोटोकॉल हो जाएगी, ठीक है। इसको याद रखना, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल होती है, ठीक है। इसके बाद आपकी आईपी एड्रेस हो जाएगी, IPsec, ये भी इसी के अंदर आती है। और राउटर, राउटर का काम होता है ना, आप अपने घर में लगवाते हो वाईफाई, तो घर में बहुत सारे लोग के द्वारा एक ही नेटवर्क चलाया जा सकता है, तो वहां पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये नेटवर्क लेयर, इन जगह इस्तेमाल की जाती है। आगे चलें, हाँ, व्हाट्सएप क्या कह रहे हो? 8 फरवरी में व्हाट्सएप बंद नहीं हुआ? नहीं, वो तो हटा दिया गया ना, फिर मैंने आपको इन्फॉर्म भी तो किया था व्हाट्सएप वालों ने, फिर अपनी ये स्कीम क्या बोले, ये जो धमकी भरे मैसेज थे फिर हटा दिए ना। अब वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि लोगों ने व्हाट्सएप को डिलीट करना शुरू कर दिया था और सिग्नल को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया था, तो इससे घबरा कर उन्होंने अपनी जो पॉलिसी थी इसको वापस ले लिया। नेक्स्ट बात करते हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में।
तो ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन कौन सी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी उसको भी देखते हुए चलते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर की। तो सबसे पहला पॉइंट देखो, ट्रांसपोर्ट में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो उन सारी चीजों को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो यहां पे लिखना है सबसे पहले कि ये डेटा का डुप्लीकेशन नहीं बनने देता। डेटा का डुप्लीकेशन है ना, डेटा का डुप्लीकेशन या दोहराव, डेटा का बार बार बन जाना, मतलब आपने कोई मूवी डाउनलोड की तो दो दो हो गई एक साथ, ऐसा नहीं। तो डेटा का दोहराव नहीं बनने देता। यह काम होता है किसका, अगर मैं बात करती हूं ट्रांसपोर्ट लेयर का, तो यहां पे डेटा का आपका दोहराव नहीं बनता, डुप्लीकेट डेटा नहीं बन सकता। इसके बाद अगर मैं बात करती हूं तो डेटा सीक्वेंस में जा रहा है या नहीं जा रहा, डेटा के सीक्वेंस को सुनिश्चित करना, ठीक है। आपका डेटा सीक्वेंस में जा रहा है या नहीं जा रहा, जैसे जब भी हम वीडियो डाउनलोड करते हैं पहले 1 MB, 2 MB, 3 MB होती है, तब जाकर 30 MB की पूरी वीडियो डाउनलोड हो जाती है। तो हमेशा स्टार्टिंग पहले ही आएगी और एंडिंग बाद में आएगी। वो कैसे हो पा रहा है, क्योंकि आपके फोन के अंदर जो इंटरनेट है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम कर रहा है। तो डेटा सिक्वेंस में है नहीं है ये सारी चीज़ें चेक करता है। इसके बाद नेटवर्क लेयर से सेवाएँ लाकर एप्लीकेशन लेयर पर देना, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेटवर्क लेयर से सेवाएं लेकर एप्लीकेशन लेयर तक पहुंचाना, ये काम भी किसका होता है, तो ये काम भी ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर लिख देना, ठीक है। और सेंडर और डेस्टिनेशन के बीच में, एक तरफ अगर मैं यहां पर लिखती हूं सेंडर मतलब भेजने वाला व्यक्ति, प्रेषक जिसको बोला जाता है, और दूसरी तरफ है इसका गंतव्य जिसको हम बोल सकते हैं डेस्टिनेशन, जिसको क्या बोला जा सकता है, डेस्टिनेशन बोला जा सकता है, ठीक है। तो सेंडर से लेकर जहां से आपके डेटा को भेजा जा रहा है और जहां पर भेजा जा रहा है उसके बीच में कोई एरर तो नहीं है, तो एरर फ्री रहे डेटा वो देखता है, फ्लो कंट्रोल में रहे, फ्लो कभी टूटे ना, ये नहीं कि बीच में वीडियो खत्म हो गई, गायब ही हो गई, आई नहीं पूरी की पूरी, है ना। तो ये दोनों चीज भी आपका देखने का काम किसका होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है। अच्छा, इसके एग्जांपल में लिख लेना। तो ये चीज समझ में आई, ये मुख्य बिंदु है जो मैं आप लोगों को समझाती चल रही हूं यहां पर, ठीक है। ओके। हिमाचल वाले में भी बिल्कुल ये सारी चीजें ही आएंगी, आप देखना, ठीक है। कुछ दो तीन पॉइंट है जो अलग आते हैं, अदरवाइज तो ये सारी चीजें ही आपकी हिमाचल के अंदर भी आती है। स्क्रीनशॉट लेना है बिल्कुल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी टाइम दे दूंगी। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो इसके अंदर कौन कौन सी प्रोटोकॉल आ जाती है, TCP और UDP, इसका एग्जाम्पल लिखना, इसके एग्जाम्पल में या उदाहरण में लिखना है आपको। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये दोनों ट्रांसपोर्ट लेयर के उदाहरण हैं। इसके बाद लिखना है कि ये एंड टू एंड कनेक्शन देता है, जहां से सुविधा शुरू होती है वहां से लेकर जहां पर खत्म होती है, सारी सेवाएं प्रदान करने का पूरी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट लेयर की होती है। जब इसकी पूरी भयंकर जिम्मेदारी होती है, इसी वजह से इसको हार्ट ऑफ OSI लेयर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको हार्ट ऑफ OSI लेयर बोला जाता है। ये मैंने अलग से इसलिए लिखा क्योंकि ये क्वेश्चन आपका अलग से पूछा भी जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, तो इसको हार्ट ऑफ OSI लेयर बोला जाता है। ये OSI लेयर का दिल होता है, क्लियर, क्योंकि सारे काम इसके बिना कुछ काम होना ही नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह डेटा को यही ले जा रहा है, तो ये हार्ट ऑफ OSI लेयर है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया, नेक्स्ट लेयर के बारे में बात करते हैं। जॉयस्टिक, भाई ये एक इनपुट डिवाइस होता है, गेम खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। NTPC में आया क्या ये क्वेश्चन। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, सेशन लेयर पर, क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम सेशन लेयर। तो 5वीं लेयर यहां पर आप लोग डालेंगे तो ये हो जाती है आपकी सेशन लेयर, जैसा कि ये नाम से ही प्रतीत हो रहा है ना, टाइम को देखने वाली लेयर। तो यहां पे हम बात करते हैं सेशन लेयर की, ठीक है।
तो इसका काम क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें भी देखते हुए चलेंगे करके फटाफट से। तो इसका उपयोग इसके लिए किया जाता है, तो सेशन की स्थापना करने के लिए, कोई प्रोग्राम कब शुरू हुआ, कब अंत हुआ, ये सारी चीजों की देखरेख सेशन लेयर करती है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, सेशन को, ठीक है, सेशन को या टाइम को लिख सकते हो आप, समय को एस्टैब्लिश करने के लिए। एस्टैब्लिश का मतलब होता है स्थापना, समय, कौन से समय पे कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, ये काम होता है सेशन लेयर का, टाइम पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। और यहाँ पे प्रबंधन से लेकर समाप्ति, यह हम बात कर सकते हैं, प्रबंधन मतलब होता है मैनेज, चीजों को मैनेज से लेकर समाप्ति तक, समाप्ति मतलब डेस्टिनेशन तक, कितना टाइम लगा, कैसे टाइम लगा, क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, ये काम भी देखरेख में होता है सेशन लेयर के। सेशन का मतलब पर्टिकुलर टाइम ही है, तो यहां पर भी इस्तेमाल किया जाता है किसका, तो सेशन लेयर का। छोटा सा एग्जांपल दूंगी, आप समझ जाओगे। आपने यूट्यूब खोला, वो यूट्यूब आपका कितने सेकंड में खुलकर आया, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, तो कितने सेकंड में आपका यूट्यूब खुलकर आया, वो सारी की सारी चीजें सेशन लेयर के अंदर आती है, ठीक है। आप कोई भी एप्लीकेशंस खोलते हो, फेसबुक खोलते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो, ट्विटर खोलते हो, तो वो सारी चीजें कितने सेकंड में ओपन होकर आती है, ये सेशन लेयर के अंतर्गत आता है, क्लियर है। चलते हैं हम इसके एग्जाम्पल की तरफ, तो कौन कौन से इसके उदाहरण हो जाते हैं, तो यहां पर लिखेंगे हम एग्जाम्पल, या बोल सकते हो यहां पर उदाहरण, ठीक है। तो यहां पे बात करते हैं हम सेशन लेयर की, पांचवे लेयर की, तो इसके क्या क्या उदाहरण हो जाएंगे, एपीआई सॉकेट और विन सॉक। एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, लिख लो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, इसी का एक उदाहरण है, ये पूछा जाएगा। और एक सॉकेट, ये भी इसी का उदाहरण होता है, और एक विन सॉक, ये भी इसी का उदाहरण होता है। तो ये कुछ उदाहरण है अगर हम बात करते हैं यहां पर सेशन लेयर की। अब सेकंड लास्ट लेयर आती है आपकी कौन सी, इंग्लिश। अरे इंग्लिश में बताओ, इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके लिखी है मैंने, हिंदी में थोड़ी ना है, सेशन लेयर है। सेशन लेयर का जो टाइम, सेशन लेयर टाइम को एस्टैब्लिश करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जरा बताना मुझे इसमें मैंने कौन सी प्योर हिंदी लिखी है भाई। हाँ हाँ, पॉइंटिंग डिवाइस होता है, बिल्कुल, जॉयस्टिक, एक इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है। इनपुट मतलब गेम खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और गेम खेलने का सबसे अच्छा कंप्यूटर जो बनाया गया था उसका नाम था पैकमैन, पोकेमोन नहीं था, पैकमैन था, ठीक है, ओके। चलिए, हाँ ये कंप्यूटर ही चल रहा है, अच्छा अभी यही नहीं पता चला कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, कहाँ से आयो भाई, क्लियर। सेशन लेयर समझ में आई, इसके बाद चलते हैं हम प्रेजेंटेशन लेयर की तरफ। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, सिक्स नंबर की लेयर आ जाएगी, छठे नंबर की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिक्स नंबर की लेयर आएगी आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। सिक्स नंबर की लेयर लिखेंगे हम, ये आ जाएगी प्रेजेंटेशन, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे कौन सी लेयर आ जाएगी, तो ये आ जाएगी आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम होता है, ये कैसे इस्तेमाल होती है, ये देखेंगे। इसके बाद बस एक लास्ट बच जाएगी, फिर मैं आपके दो तीन चीजें उसको समझा दूंगी दोबारा से, ठीक है। हाँ, प्रेजेंटेशन लेयर, अब इसका काम बताओ क्या हो जाएगा, इसका काम क्या हो जाएगा, तो कंप्यूटर से नेटवर्क और एप्लीकेशन को लेकर जाना, डेटा को लेकर जाना, प्रेजेंट करती है ना, तो नेटवर्क से डेटा को उठाएगी और एप्लीकेशन लेयर पर दिखा देगी, समझ रहे हो आप। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, प्रस्तुतिकरण देना, चीजों को दिखाना, दर्शाना। कोई चीज कहां से दिखेगी, अगर इंटरनेट बंद है तो क्या आप यूट्यूब चला लोगे, अगर इंटरनेट बंद है तो क्या फेसबुक चलाया जा सकता है, नहीं ना। तो इंटरनेट से डेटा को उठाकर आपके एप्लीकेशन लेयर पर दिखा देना, यह काम होता है प्रेजेंटेशन लेयर का। तो यहां पर लिख सकते हो नेटवर्क लेयर से डेटा ट्रांसमिट करके, डेटा लेकर या डेटा ट्रांसमिट करके कहां पर भी दिखाती है, तो एप्लीकेशन लेयर पर दिखा देना। नेटवर्क लेयर से डेटा को उठाकर एप्लीकेशन लेयर पर दर्शाने का काम किसका होता है, तो ये काम होता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर का। तभी तो इसको प्रेजेंटेशन बोलते हैं, इंटरनेट चलेगा तो वहां के आईपी एड्रेस को उठाएगी और आपके फोन के रैम पर दिखाने का काम कर देगी, क्लियर। यहां आया समझ में। इसके बाद अगर मैं बात करती हूं, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेजेंटेशन लेयर कौन सी दो लेयर के बीच में रहती है, तो अभी आपने देखा
इसके पहले कौन सी लेयर आ जाएगी? एप्लीकेशन लेयर। और इसके बाद में कौन सी लेयर आती है? तो सेशन लेयर। कौन सी लेयर आती है? तो सेशन लेयर। याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर कौन से दो लेयर के बीच में काम करती है? तो एक तरफ होती है एप्लीकेशन और दूसरी तरफ होती है सेशन, और बीच में आपकी प्रेजेंटेशन लेयर काम करती है। अगर मैं इसके उदाहरण या एग्जांपल की बात करती हूँ तो यहाँ पे बताना है आपको प्रेजेंटेशन लेयर के उदाहरण क्या हो जाते हैं। तो जितने भी आपके जैसे सिक्योर सॉकेट लेयर, जैसे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जैसे MPEG मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, तो ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं आपके यहाँ पर? प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर आती हैं। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, तो ये सारी की सारी किसके अंदर आती हैं यहाँ पर? तो सारी की सारी आपकी प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर आती हैं। क्लियर, आगे चलें। ओके हाँ, सिक्योर सॉकेट लेयर होगा, बिल्कुल ठीक है। चलो इसके बाद चलते हैं, ये थोड़ा कंप्यूटर हाई लेवल वाला कंप्यूटर चल रहा है, ठीक है, तो वही वाली चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि कुछ नया सीखना जरूरी है और अब एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं, ये चीज़ क्लियर है आप लोगों की प्रेजेंटेशन के बारे में। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब आती है आपकी सबसे अंतिम लेयर जिसका नाम होता है एप्लीकेशन लेयर। सेवेंथ नंबर की लेयर आ जाएगी जिसका नाम होता है एप्लीकेशन लेयर। क्लियर, लास्ट है ये। एप्लीकेशन लेयर की अगर हम बात करते हैं तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें हमारी एप्लीकेशन लेयर में देखने को मिलती हैं, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आपको किसके बारे में? एप्लीकेशन लेयर के बारे में। क्लियर है, तो एक एक पॉइंट को लिखते हुए चलेंगे फटाफट से, लास्ट ही बच गई हमारी। एप्लीकेशन लेयर की अगर हम बात करते हैं उसमें कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? हाँ बिल्कुल, एप्लीकेशन लेयर ही है, तो यूजर को सेवा प्रदान करती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, यूजर को इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? यूजर को सर्विस देने के लिए। हम लोग डायरेक्टली एप्लीकेशन से कनेक्ट होते हैं, यूट्यूब की एप्लीकेशन है, फेसबुक की एप्लीकेशन है, इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन है, एग्जामपुर की एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन को, यूजर को सर्विस या सेवाएं प्रदान करना पहला इसका काम हो जाता है। क्या करती है? यूजर को सर्विस या सेवा प्रदान करने का, प्रोवाइड करने का काम करती है। नेक्स्ट, ये एक क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है, मतलब एक तरफ से क्या हो जाता है, क्लाइंट जो कि रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर जो कि उस पर रेस्पॉन्स करता है, तो ये एक आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित है एप्लीकेशन लेयर। अगर पूछा जाता है तो इसका इस्तेमाल किस किस के लिए किया जाता है? तो ईमेल भेजने के लिए इसका इस्तेमाल, ईमेल भेजने के लिए होता है, फाइल को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए, फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए भी हम एप्लीकेशन लेयर का इस्तेमाल करते हैं। और अगर बेसिक से मैं बात करती हूँ तो डायरेक्टरी सर्विस, आपके फ़ोन के अंदर या फिर आपके लैपटॉप के अंदर जितनी भी डायरेक्टरी सेव हैं उनको आपके कंप्यूटर के रैम पर दिखाने का काम भी इसी लेयर का होता है, एप्लीकेशन लेयर कहलाती है, ठीक है। बस लास्ट अगर लिखोगे तो लिख लो यहाँ पर कौन कौन सी आ जाएंगी आपकी। एग्जाम्पल में लिखना है आपको, आप लिख सकते हो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसी के अंदर आती है। और कौन कौन सी प्रोटोकॉल आ जाएंगी इसके अंदर? तो पहली हो गई हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP इसके अंदर ही आती है, IRC इसी के अंदर आती है, डोमेन नेम सिस्टम भी इसी के अंदर आता है, तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं। क्लियर है, क्या हो जाते हैं? तो यहाँ पर ये इसके कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं जो कि मैंने आपको बताया कि करके, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। क्लियर, चलो देखो विक्रम जी ने बता दिया, जो पूछा है क्लास कहाँ पर है तो वो चले जाओ भाई, वो बता देंगे बड़े अच्छे से। ओके चलो, तो क्लियर है सारी चीजें। ब्यूटी प्लस अब बैन हो चुका है भाई, बैन हो चुका है, नहीं एप्लीकेशन की मैं बात करती हूँ तो चाइना की 222 एप्लीकेशंस को बैन किया है अभी 2000, कब? तो 2022 के अंतर्गत, 2020 में, ठीक है, 2020 में आपकी 222 एप्लीकेशंस को बंद किया गया है। चलो तो चलते हैं हम कहां पर, चलते हैं पहले पेज पर, कुछ चीजें जो कि आपको यहां पर क्लियर करवानी है उसको भी लिख लेना। देखो यहां पे हम बात कर रहे थे कि क्लियर की उसके बारे में लिखना, जो शुरू की तीन लेयर होती है ना, ये वाली सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, इनको बोला जाता है कि ये आपकी सॉफ्टवेयर से संबंधित है, इनको आप छू नहीं सकते, इनको टच नहीं किया जा सकता, ये सॉफ्टवेयर संबंधित होती है, ठीक है। नीचे की तीन लेयर है, इनको बोला जाता है कि हार्डवेयर संबंधित है, इनके अंदर जिन जिन डिवाइस का इस्तेमाल होता है, जिन जिन उपकरण का इस्तेमाल होता है, उनको बड़ी आसानी से छुआ जा सकता है,
राउटर, स्विच, हब, रिपीटर, लेकिन ये जो बीच वाली लेयर होती है ना, ट्रांसपोर्ट लेयर, अभी मैंने बताया भी, इसको बोला जाता है हार्ट ऑफ ओएसआई। ये ओएसआई लेयर का दिल होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन का हार्ट होता है। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहां पर बताई थी। अच्छा, किसने कहा भाई वे ब्यूटी प्लस केवल लड़कियां इस्तेमाल करती हैं? हाँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये चीज और पता चली मुझे कल। चलो अभी मैं बात करूंगी इसके बारे में बाद में, कल प्रयागराज की मीटिंग के बारे में। पहले मैं आप लोगों को चीजें समझा देती हूँ ना। चलो, तो यही आपके टीसीपी प्रोटोकॉल है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टीसीपी प्रोटोकॉल के बारे में, ओएसआई के बारे में, जो कि मेनली यहाँ पर संबंधित है, तो ये इंटरकनेक्शन ऑर्गेनाइजेशन होता है। 1984 में इसको बनाया गया आईएसओ के द्वारा। ठीक है, हमने समझा इसमें सात लेयर होती है, सातों के काम समझे। फिजिकल लेयर का क्या काम होता है, डाटा लिंक लेयर का क्या काम होता है, नेटवर्क लेयर का क्या काम होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है, सेशन लेयर का क्या काम है, प्रेजेंटेशन लेयर का काम और एप्लीकेशन लेयर का काम, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है बहुत बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगी तो ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है टीसीपी। इंटरनेट इसी पर आधारित होता है, टीसीपी प्रोटोकॉल पर आधारित। बड़े डेटा को छोटे छोटे डेटा में तोड़ती है, इसी वजह से इसको पैकेट स्विचिंग बोला जाता है। ठीक है, इंटरनेट ये टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पर निर्भर करता है, जाहिर सी बात है। टीसीपी मॉडल में केवल चार लेयर होती हैं। ठीक है, ओएसआई में आपकी सेवन है, टीसीपी में सात लेयर होती हैं। बड़े डेटा को छोटे छोटे पैकेट में तोड़ देता है। एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और होस्ट टू होस्ट, ये सारी टीसीपी की प्रोटोकॉल है। क्लियर है? तो ये चीजें हमने अपनी आज पढ़ी। चलो, तो बाकी आपको मैं होमवर्क दूंगी और अभी क्लास को करना पड़ेगा हमें एंड। उससे पहले मैं बता देती हूँ, क्या कह रहे हो, निखार आ जाता है मैडम जल्दी से ब्यूटी प्लस से। अच्छा, नहीं तो आधार कार्ड में भी जो स्कैन किया जाता है, फोटो को क्लिक किया जाता है, उनके पास भी ब्यूटी प्लस वाली एप्लीकेशन होनी चाहिए। नहीं, सारी सच्चाइयाँ तो वहीं दिख जाती हैं, सच्चाइयों से भी ज़्यादा सच्चाइयाँ दिख जाती हैं। ऐसे तो हम रियल में भी नहीं दिखते। हाँ, बहुत भाग्यशाली है वो इंसान जिसके आधार कार्ड में बहुत अच्छी फोटो आई हो। नहीं, चलो तो यही सारी चीज़ें थी। हाँ जी, देखो अगर मैं बात करती हूँ कल की, कल की बात अगर हम करते हैं तो बहुत बहुत प्यार मिला बच्चों से। ठीक है, तो वहाँ पे बच्चों ने कुछ राज भी खोले कि मैम आपके कंप्यूटर की क्लास में इसलिए बोला जाता है, उन लोग बच्चों ने बोला कि हम लोग इसलिए बोलते हैं ताकि आप हमारा नाम लो, है ना। तो आप इसलिए बोलते हो कि मैम क्लास रिकॉर्डेड है ताकि आपका नाम लिया जा सके और मैं बोलूँ कि नई क्लास एकदम लाइव चल रही है ना। तो चलो, दो तीन राज तो पता चले कल मिलने के बाद आप लोगों से ऑनलाइन। ऑनलाइन तो डेली मिलते हैं, ऑफलाइन मिलकर दो तीन राज तो आप लोगों के खुले थे, है ना। और बिल्कुल, अगर मैं बात करती हूँ प्रयागराज की, तो प्रयागराज में ऑफलाइन कोचिंग खुल चुकी है। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। हर एक कोर्स के लिए, हर एक एग्ज़ाम के लिए वहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है। तो वहाँ पर आप जा सकते हो, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। आपको जो हमने दिया था ना एड्रेस, वहीं पर है। ठीक है, सिविल लाइन से वहाँ पर जाके आप आराम से, हमारा एग्जामपुर का बहुत अच्छा बैनर लगा हुआ है वहाँ पर, आपको दिख जाएगा। आप रजिस्ट्रेशन करवा लेना, तैयारी कर सकते हैं ना। बाकी सभी लोग मिलने आए थे तो वेरी बहुत बहुत अच्छा लगा भाई। आधार कार्ड की फ़ोटो चेंज जाती है, बिल्कुल फ़ोटो चेंज हो जाती है, पर वो चेंज होने के बाद भी वैसी ही आ जाती है। ठीक है, वहाँ पे नहीं चलता ये ब्यूटी प्लस, कहीं सोच रहे हो ब्यूटी प्लस से फोटो क्लिक करके चेंज करवा दो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ओके ओके। लखनऊ में भी जल्दी आएंगे, मेरठ में भी जल्दी आएंगे, मुखर्जी नगर में भी ओपन हो ही चुकी है, मुरादाबाद में भी जल्दी आएंगे। ठीक है, तब इन जगह भी हम धीरे धीरे जल्दी जल्दी पहुंचने वाले हैं। ठीक है, चलो तो बी प्रिपेयर फॉर इट। और मैं तो देखो यही बोलूंगी आप लोगों से कि आप लोग तैयारी इतनी अच्छी और ज़बरदस्त कर दो ना कि बस मज़ा आ जाए। ठीक है, तो बहुत सारे वहाँ पे वो भी आए थे, एसआई थे, यूपीएसआई दरोगा थे जो लगे हुए थे, कांस्टेबल थे। तो बहुत अच्छा सा फील होता है जब सारे स्टूडेंट्स आते हैं, और बहुत सारी भीड़ हो गई थी खैर, पर बच्चे उन्हें संयम बना के रखा। गोरखपुर भी आते हैं, ठीक है, चलो गोरखपुर भी आएंगे बबुआ बहुत ही जल्दी। चलो तो क्लास को फिर हम लोग करते हैं यहाँ पे एंड। क्लास अच्छी लगी हो तो जाते जाते एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं कल अपनी टाइम पर ठीक 1 बजे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।